हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए क्लास थर्ड कंप्यूटर सब्जेक्ट से एमसीक्यू लेकर आई हूँ, पार्ट थर्ड। इससे पहले मैंने पार्ट वन एंड पार्ट टू एमसीक्यू बना चुकी हूँ। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा 6, 7, 8, नो मोर अबाउट एम एच वर्ड 2010, टक्स पेंट एंड इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इन तीनों चैप्टर्स को मैं एमसीक्यू में कवर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टू ओपन ए सेव डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन कमांड। सेव डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए हम कौन से कमांड पर क्लिक करेंगे? ऑप्शन ए न्यू, बी ओपन, सी सेव एंड डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ओपन। ओपन कमांड पर हम क्लिक करेंगे जहां से हम सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वी कैन प्रिंट द डॉक्यूमेंट ऑन अ सीट ऑफ पेपर बाय क्लिकिंग कमांड। हम जो है डॉक्यूमेंट में जो सीट है उसको हम पेपर सीट पर प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कौन से कमांड पर क्लिक करेंगे? ऑप्शन ए न्यू, बी प्रिंट, सी ओपन या डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्रिंट। क्वेश्चन नंबर 3, ओपन कमांड इज यूज टू ओपन। ओपन कमांड का यूज हम ओपन करने के लिए, क्या ओपन करने के लिए करते हैं? ओपन कमांड इज यूज टू ओपन। ओपन कमांड यूज करने के लिए हम क्या ओपन करते हैं? ऑप्शन ए कंप्यूटर, बी प्रिंटर, सी फाइल या डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फाइल कमांड। फाइल कमांड में ओपन ऑप्शंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू क्लिक सेव कमांड द फाइल विल स्टोर इन। यदि हम सेव कमांड पर क्लिक करते हैं फाइल को स्टोर करने के लिए, तो वह कहाँ पर स्टोर होगा? प्राइमरी मेमोरी, बी सेकेंडरी मेमोरी, सी क्लिपबोर्ड या डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए प्राइमरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 5, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट शॉर्टकट की इज। हमें न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाना है, उसके लिए हम शॉर्टकट की कीबोर्ड से कौन सा यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस एन, बी कंट्रोल प्लस सी, सी कंट्रोल प्लस ए या डी कंट्रोल प्लस ओ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एन ब्लैंक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए शॉर्टकट की होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एंटर की इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू। एंटर की को हम यूज करते हैं नया, ऑप्शन ए लाइन के लिए, बी फाइल के लिए, सी पेज के लिए या डी डॉक्यूमेंट के लिए। इंटर की जब हम प्रेस करते हैं तो न्यू क्या खुलता है? लाइन आती है या फाइल आता है, पेज आता है या न्यू पेज पर जाने के लिए हम इंटर की को यूज़ करते हैं, या न्यू डॉक्यूमेंट पर जाने के लिए इंटर की को यूज़ करते हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लाइन। इंटर की प्रेस करने के बाद नेक्स्ट हम न्यू लाइन पर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रूलर इज यूज टू एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में रूलर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए सो विड्थ एंड मार्जिन के लिए, बी टाइप टेक्स्ट के लिए, सी सो पैराग्राफ के लिए एंड डी ब्लिंकिंग लाइन के लिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सो विड्थ एंड मार्जिन। रूलर का हम यूज विड्थ एंड मार्जिन को शो करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वी सेव वर्ड फाइल इट्स एक्सटेंशन नेम विल बी मेंशन बाय। वर्ड में अगर किसी फाइल को हम सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शन ए डॉट डॉक, बी डॉट टी एक्स टी, सी डॉट पी एन जी, डी डॉट जे पी जी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डॉट डी ओ सी। क्वेश्चन नंबर 9, टक्स पेंट इज अ प्रोग्राम। टक्स पेंट किस प्रकार का प्रोग्राम है? ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट, बी ड्रॉइंग, सी म्यूजिक या डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ड्राइंग। टक्स पेंट एक ड्राइंग प्रोग्राम है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, टूल बार इज प्रेजेंट ऑन साइड ऑफ मेन स्क्रीन। टूल्स बार मेन स्क्रीन पर किधर प्रेजेंट रहते हैं, किधर रहते हैं?
लेफ्ट में, बी मिडल में, सी राइट में, या डी नन में। तो टक्स पेंट में टू स्वार जो है मेन स्क्रीन के लेफ्ट में रहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, विच टूल्स इज यूज टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक ड्राइंग कैनवास। कौन से टूल का यूज हम ब्लैंक ड्राइंग कैनवास क्रिएट करने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए ओपन, बी सेव, सी न्यू, डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी न्यू। क्वेश्चन नंबर 12, रेडीमेड पिक्चर आर अवेलेबल अंडर टूल। रेडीमेड पिक्चर इनमें से कौन से टूल्स के अंदर रहते हैं? ऑप्शन ए पेंट, बी स्टाम्प, सी सेप, या डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्टाम्प। स्टाम्प में रेडीमेड पिक्चर्स अवेलेबल रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेट इज ऑप्शन ए नेटवर्क, बी कंप्यूटर, सी मशीन, या डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नेटवर्क। इंटरनेट इज अ नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन ऑन इंटरनेट। इनमें से कौन सा काम हम इंटरनेट पर नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए एंटरटेनमेंट, बी ईमेल, सी कुक फूड, डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कुक फूड। क्वेश्चन नंबर 15, वेब पेज आर रिटन इन विच लैंग्वेज। वेब पेज कौन से लैंग्वेज में लिखा रहता है? ऑप्शन ए हिंदी, बी इंग्लिश, सी HTML, और डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी HTML। क्वेश्चन नंबर 16, अ वेब साइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड। वेब साइट कलेक्शन होता है ऑप्शन ए वेब पेज का, बी पेजेस का, सी बुक का, या डी नन का। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वेब पेजेस। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज नॉट अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन वेब ब्राउजर नहीं है? गूगल क्रोम, बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, सी MS विंडो, डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी MS विंडो। क्वेश्चन नंबर 18, हु वॉज द इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब टर्म को किसने इन्वेंट किया था? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, बी टिम बर्नर्स-ली, सी गूगल क्रोम, एंड डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टिम बर्नर्स-ली ने WWW अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंटेड किया था। सो बच्चों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का पता चल जाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।